हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फोकस सिविल वर्क। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे एंड प्रैक्टिकल साइट प्रैक्टिकल कैसे हम 4.5 इंची कैसे हम वॉल कास्ट करते हैं। तो दोस्तों देखना, आप जैसे कि इसको एमएम में कन्वर्ट करने के लिए करना, तो 115 mm को हम कैसे प्रैक्टिकल साइट कैसे कौन कास्ट करते हैं। तो दोस्तों देखना, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें वीडियो में कैसे हो रहा है कि 4.5 इंच की जो वॉल है वो कास्ट हो रही है, तो जिसमें कि आप देख रहे हैं कि लाइन डोरी जो बन रही है वो सीधे स्ट्रेट के लिए, जिससे कि वो कि वॉल जो हमारी बिल्कुल सीधी की सीधी जाए, जो लाइन डोरी आप देख रहे हो जैसे कि ड्राइंग में जा रहा है वो एक्यूरेट जाए, जिससे कि वो टोटल सीधा जाए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे इसमें गैप छोड़ रहा है, ये जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो गैप है इन दोनों बीच का जो गैप है वो हमारा 1/2 इंच का गैप है, जिसमें कि हम इसको कन्वर्ट करें तो 10 से 12 mm का हम गैप रखते हैं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये है कि हम जो 4 इंच की पार्टीशन वॉल है इसको कैसे कास्ट करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, इसमें क्या क्या उसमें प्रिकॉशन होनी चाहिए, इसमें हर एक चीज़ पर जोड़ पे लेयर टू लेयर इसमें ऐसी वॉल पर वॉल कास्ट होती जाएगी, जिससे कि हमारा ये पार्टीशन वॉल कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें क्या क्या सावधानी होती है, एक तो सावधानी ये होती है कि पहले तो सबसे मेन चीज़ हम जैसे लाइन डोरी बांधी हो, तो लाइन डोरी बांधने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो ब्रिक है, ब्रिक वॉल है, वो सीधा जो ऊपर टू लेयर जो ऊपर आ रही है तो वो एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए और सीधी की सीधी ही चलनी चाहिए। तो जैसे कि हम ब्रिक बन रहा है, ब्रिक को हमेशा क्या करना चाहिए, उसको उल्टा करके रखना चाहिए। जैसे कि ब्रिक जिसका ये पट साइज है, उसका जो प्लेन साइज होता है उसको हमें डाउन रखना, जिससे क्या होगा कि एंकरी जो होती है वो हमारी एंकरी जो फंस जाएगी वो एकदम एक्यूरेट फंस जाएगी, जिससे कि बाउंड जो होंगे वो हमारे बाउंड बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड पर ही पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की वॉल कास्ट हो रही है, जिससे कि हम जैसे कि ऑन हाउस है, एक छोटी साइट है उसको, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक तो कास्ट हो रही है और जिसकी लाइन डोरी बन रही है, जिससे कि स्ट्रेट जाए वहाँ से वहाँ तक के लिए जो भी काम चल रहा है। और इसमें हम देख सबसे पहले देखना इसमें क्या क्या प्रिकॉशन सावधानी होती है। पहले तो ये सावधानी होती है, जैसे कि मैंने अपना ब्रिक वर्क में दिखाया था, और जैसे कि इसमें 4.5 इंच की वॉल कास्ट हो रही है, तो जैसे कि ब्रिक रखी है और इसका जो स्पेसिंग गैप होता है वो मैंने आपको बताया था, वो 1/2 इंची गैप होता है, और लाइन डोरी हमेशा ध्यान रखना वो स्ट्रेट बंधी हो, जिससे कि हमारी क्या होगी ब्रिक वॉल बिल्कुल सीधी जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लम जो चेक करते हैं, साउल कैसे चेक करते हैं, वो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ब्रिक वॉल करने से पहले बीच में कभी भी चेक करना हो साउल, जिससे कि क्या होगा हमारी ब्रिक वॉल बिल्कुल सीधी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि ब्रिक वॉल चेक करते हैं, तो ब्रिक वॉल चेक करने के लिए जैसे कि हमारा पता है ये तो स्ट्रेट तो जा रही है, लेकिन हमें देखना हो कि वर्टिकली चेक करते हैं वो सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम साउल लगाते हैं, साउल यानी कि प्लम्ब ऑफ चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप हम इसमें देख रहे हो वीडियो में, बिल्कुल छोटा सा गैप आना चाहिए जिसमें कि एयर वाइड पास हो सके, बस उसी को जैसे कि हमारा कहीं भी उसको चेक करके देते हैं, जिससे क्या होगा हमारी वीडियो हमारी जो वॉल होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्टिकली सीधी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरा बस इतना ही मतलब था कि 4.5 इंच की वॉल कैसे कास्ट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।